हाय गाइस, ट्रांसलेशन प्रैक्टिस सीरीज में आज हम सभी लोग एक नई स्टोरी को बनाने जा रहे हैं। हम लोग लगातार एक के बाद एक इंग्लिश ट्रांसलेशन में नई नई स्टोरीज को ट्रांसलेट करेंगे और ये चेक करेंगे कि हमको ट्रांसलेशन में कितना आता है। यह स्टोरी भी पिछली बोर्ड परीक्षा में आ चुकी है और बोर्ड परीक्षाओं की स्टोरी की जब हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हम अपने आप को अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग अपनी लर्निंग स्क्रीन की ओर आते हैं और आज की इस स्टोरी को सीखना शुरू करते हैं। अभी हम लोग जो स्टोरी बनाने जा रहे हैं यह यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा में सन 2015 में आ चुकी है। तो चलिए हम लोग इसके वाक्यों को एक एक करके बनाते हैं। यहाँ पर लिखा है, प्रयागराज की जलवायु बहुत अच्छी है। सामान्य सा वाक्य है, इसमें कुछ किया नहीं गया। एक कंडीशन बताई गई, कंडीशन ये है कि प्रयागराज की जलवायु, ये हमारा सब्जेक्ट है और है ये हमारी वर्ब है। तो हम लोग इसको बनाएंगे, प्रयागराज की जलवायु को उल्टी ओर से बनाइए। जलवायु को हम लोग कहते हैं क्लाइमेट। हम दा लगा करके लिखें, दा CLIMATE क्लाइमेट। क्लाइमेट मतलब जलवायु। तो द क्लाइमेट ऑफ प्रयागराज, ये तो नाउन है, ऐसे ही लिखा जाएगा PRAYAGRAJ प्रयागराज। तो द क्लाइमेट ऑफ प्रयागराज, प्रयागराज की जलवायु है मतलब इज, और बहुत अच्छी हम कहेंगे वेरी गुड। तो हमारा वाक्य बन गया, द क्लाइमेट ऑफ प्रयागराज इज वेरी गुड। प्रयागराज की जलवायु बहुत अच्छी है। अगला वाक्य कह रहा है, ना यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक जाड़ा। अब इसमें दो वाक्य हैं जो और से जुड़े हैं। ना यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है, ये पहला, और ना ही अधिक जाड़ा, ये हो गया दूसरा। अब जब हमारे पास ऐसे दो वाक्य हों जिनमें दोनों में ना यहाँ ना वहाँ ना तो ना ही, तो हम ऐसे सेंटेंसेस को नाम देते हैं डबल नेगेटिव सेंटेंस। और इनमें हम लोग डबल नेगेटिव वाला कंजक्शन लगाते हैं जो इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ एक है और वो है नाइदर नॉर। अब बात करते हैं सेंटेंस के कंटेंट की। गर्मी पड़ती है, जाड़ा पड़ता है, ये गर्मी पड़ना जाड़ा पड़ना हमें तो समझ में ही नहीं आएगा कि ये पड़ना शब्द की हम इंग्लिश क्या लगाएं, क्योंकि कुछ चीजें जो होती हैं वो सेंस से बनती हैं और हम उनको पहले एक सरल वाक्य में बदलते हैं फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं। हमें यहां पर भी वही करना है। गर्मी पड़ने का मतलब हो गया कि यह ना तो ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा। अब क्योंकि गर्म और ठंडा मौसम से संबंधित होते हैं तो ये वाक्य बनेगा हमारा इट से। हम लिखेंगे इट इज NEITHER नाइदर, ना तो। अब अधिक गर्मी, तो इट इज नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कूल, कूल माने ठंडा, और बन गया। बड़े सिंपल तरीके से बना, इसमें एंड नहीं लगेगा क्योंकि नाइदर नॉर खुद कंजक्शन है, इसलिए हम और शब्द की इंग्लिश यहां पे नहीं लगाएंगे। हमारा वाक्य हुआ इट इज नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कूल, यह ना तो बहुत गर्म है और ना ही बहुत ठंडा। तो उसका सेंस यही हुआ कि ना यहां अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही अधिक जाड़ा। हमारा अगला वाक्य, यहाँ वर्षा खूब होती है लेकिन सड़कों पर कीचड़ नहीं दिखाई देता है। इसमें लेकिन शब्द हमारे वाक्य को दो भागों में बांट रहा है। पहला भाग, यहाँ वर्षा खूब होती है, और दूसरा, सड़कों पर कीचड़ नहीं दिखाई देता है। तो हम लोग पहले बना लें यहाँ वर्षा खूब होती है। बारिश से संबंधित वाक्य है तो ये इट से बनेगा। तो हम लिखते हैं इट होती है, एक वचन, कर्ता के साथ में हम एस या ईएस लगा देते हैं, तो हम कहेंगे आर ए आई एन एस रेन्स।
जोर से, हैविली, एच ई ए वी आई एल वाई, हैविली मैंने जोर से, और यहां एच ई आर ई हियर, तो ये बन गया इट रेन्स हैविली हियर, यहां वर्षा खूब होती है, लेकिन बट सड़कों पर कीचड़ नहीं दिखाई देता है, तो कीचड़ नहीं दिखाई देता है, कीचड़ मड, तो हम कहेंगे बट द मड इज नॉट सीन, ये पैसिव वॉइस में था, नहीं दिखाई देता है, तो मड इज नॉट सीन ऑन द रोड्स, सड़कों पर, ऑन द आर ओ ए डी एस रोड्स, तो हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया कि इट रेन्स हैविली हियर, यहां बारिश बहुत तेज होती है, बट द मड इज नॉट सीन ऑन द रोड्स, लेकिन सड़कों पर कीचड़ नहीं दिखाई देता है। हमारा अगला वाक्य है पठारी इलाका होने की वजह से यहां पानी बह जाता है और सड़कों पर कहीं एकत्रित नहीं होता है, तो इसमें और से हम वाक्य बांट लें, हम शुरुआती हिस्सा अपना मान लें पठारी इलाका होने की वजह से, अब ध्यान दें की वजह से की इंग्लिश होती है ड्यू टू, और हमेशा हम लोग वाक्य ड्यू टू से ही शुरू करते हैं, तो हम लिखेंगे ड्यू टू की वजह से, क्या पठारी इलाका, पठार को कहते हैं हाई लैंड, एच आई जी एच हाई एल ए एन डी लैंड, और इलाका मतलब क्षेत्र, यानी उसकी इंग्लिश होगी एरिया, ए आर ई ए एरिया, ड्यू टू हाई लैंड एरिया, कामा लग जाएगा, यहां से पानी बह जाता है, द वाटर फ्लोज अवे, फ्लो माने बहना, पानी के बहने को फ्लो, हवा के चलने को ब्लो कहते हैं, तो हम कहेंगे द वाटर एफ एल ओ डब्ल्यू एस फ्लोज अवे, जब कोई चीज दूर चली जाए तो उसके साथ में अवे लगा दिया जाता है, तो द वाटर फ्लोज अवे, यहां से, फ्रॉम हियर, यहां से, और सड़कों पर कहीं एकत्रित नहीं होता है, एंड इट इज नॉट कलेक्टेड, सी ओ डबल एल ई सी टी ई डी, कलेक्टेड माने एकत्रित होता है, कहीं, ए एन वाई डब्ल्यू एच ई आर ई एनी वेयर, सड़कों पर, ऑन द आर ओ ए डी एस रोड्स, तो हमारा वाक्य बन गया कि ड्यू टू हाई लैंड एरिया, हाई लैंड एक ही शब्द है, इसको एक में मिला के लिखेंगे, तो ड्यू टू हाई लैंड एरिया, पठारी क्षेत्र होने की वजह से, द वाटर फ्लोज अवे फ्रॉम हियर, पानी यहां से बह जाता है, एंड इट इज नॉट कलेक्टेड, और ये नहीं रुकता है एनीवेयर, माने कहीं भी, ऑन द रोड्स माने सड़कों पर। हमारा अगला वाक्य, अब तो जनसंख्या बढ़ जाने से कुछ अधिक गर्मी पड़ने लगी है, अब तो मतलब इसके लिए हम लिखेंगे नाउ, अब तो, जनसंख्या बढ़ जाने से, ये कारण है, ये बाद में लिख देंगे, कुछ अधिक गर्मी पड़ने लगी है, अधिक गर्मी पड़ रही है, तो ये इट से ही बनेगा, इट इज गेटिंग, जी ई डबल टी आई एन जी, गेटिंग वेरी हॉट, इसका अर्थ ये हो जाएगा कि अधिक गर्मी पड़ रही है, नाउ इट इज गेटिंग वेरी हॉट, और उसका कारण क्या है, कारण के लिए लगा दीजिए डी यू ई ड्यू टी ओ टू, ड्यू टू जनसंख्या बढ़ जाने से, इसको हम लिख दें ओवर पॉपुलेशन, ओवर पी ओ पी यू एल ए टी आई ओ एन, ओवर पॉपुलेशन, तो हमारा वाक्य ऐसे बन गया नाउ इट इज गेटिंग वेरी हॉट, अब अधिक गर्मी होने लगी है, ड्यू टू मतलब के कारण, ओवर पॉपुलेशन अत्यधिक जनसंख्या की वजह से, सेंस में ये भी आएगा कि जनसंख्या बढ़ जाने से। हमारा अगला वाक्य है बसंत के आने पर प्रकृति की शोभा यहां बढ़ जाती है, तो के आने पर यानी कंडीशन लगा है कि जब वो आता है, तो इस तरह के वाक्यों को हम वेन से बनाते हैं, हम कहेंगे वेन
बसंत आता है ना, तो हम कहेंगे when the spring spring comes, comes when the spring comes, बसंत के आने पर, यानी जब बसंत आता है प्रकृति की शोभा बढ़ जाती है। हम इसमें कहेंगे प्रकृति की शोभा, द शोभा मतलब ब्यूटी सुंदरता ऑफ नेचर, तो हम कहेंगे द बी ए यू टी वाई ब्यूटी ऑफ नेचर एन ए टी यू आर ई द ब्यूटी ऑफ नेचर प्रकृति की सुंदरता बढ़ जाती है, मतलब इनक्रीसेस, इंक्रीज माने होता है वृद्धि होना, आई एन सी आर ई ए एस ई एस इंक्रीसेस माने वृद्धि हो जाती है, बढ़ जाती है हियर। और हमारा वाक्य कंप्लीट हो गया। व्हेन द स्प्रिंग कम्स, जब बसंत आता है, द ब्यूटी ऑफ नेचर प्रकृति की सुंदरता इंक्रीसेस बढ़ जाती है हियर माने यहां पर। हमारा अगला वाक्य है रास्तों पर वृक्षों की ठंडी छाया रहती है, वृक्षों की ठंडी छाया और रहती है, तो हमारा सब्जेक्ट वृक्षों की ठंडी छाया कैसे लिखेंगे, द कूल शेड, द सी डबल ओ एल कूल माने ठंडी, एस एच ए डी ई शेड ठंडी छाया, ऑफ द ट्रीज वृक्षों की, ऑफ द टी आर डबल ई एस ट्रीज, रहती है रिमेन माने होता है रहना, तो आर ई एम ए आई एन एस रिमेन्स रास्तों पर, तो हम कहेंगे ऑन द आर ओ ए डी एस रोड्स। तो हमारा ये वाक्य बन गया द कूल शेड ऑफ द ट्रीज, ठंडी छाया ऑफ द ट्रीज पेड़ों की वृक्षों की, रहती है रिमेन्स ऑन द रोड्स माने रास्तों पर सड़कों पर। तो इस तरह के कुछ वाक्य हमारी स्टोरी में सरल भी आ जाते हैं। फिर कहा जाता है वाटिकाओं से फूलों की सुगंध आती रहती है, तो आती रहती है क्या चीज, फूलों की सुगंध, तो हम सबसे पहले फूलों की सुगंध को लिखेंगे सब्जेक्ट के रूप में। सुगंध को हम कह सकते हैं स्मेल, तो हम कहेंगे द स्मेल, द स्मेल ऑफ फ्लावर्स, ऑफ द फ्लावर्स एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर एस, द स्मेल ऑफ द फ्लावर्स आती रहती है, आती है कहते हैं सी ओ एम ई एस कम्स, और कहां से, वाटिकाओं से, वाटिकाओं का मतलब क्या होता है बागीचे, तो हम कह देंगे फ्रॉम द गार्डन्स जी ए आर डी ई एन एस गार्डन्स यानी वाटिकाओं से। और हमारा ये भी वाक्य कंप्लीट हो गया। हमारा अगला वाक्य दूर दूर तक हरियाली दिखाई पड़ती है, दूर दूर तक भाई चारों तरफ, सेंस ये हो गया तो ऑल अराउंड कह सकते हैं इसके लिए, और हरियाली दिखाई पड़ती है पैसिव वॉइस में बनेगा, तो हरियाली को कहते हैं द ग्रीनरी जी आर डबल ई एन ई आर वाई ग्रीनरी इज सीन दूर दूर तक ऑल अराउंड ए डबल एल आल ए आर ओ यू एन डी अराउंड, हरियाली सब तरफ दिखाई पड़ती है मतलब दूर दूर तक। अब हमारा अंतिम वाक्य देखकर मन आनंदित होता है, जब कभी वाक्य ऐसे शुरू हो कि उससे देखकर या ऐसा कार्य कर कर, तब हम उसको जीर्ण से बनाएंगे, जैसे देखकर, तो लुकिंग एल डबल ओ के आई एन जी लुकिंग, अब जाहिर सी बात है कि किसी चीज को, यहां पर प्रकृति की बात हो रही है तो हम इट लगाते हैं, लुकिंग इट इसे देख करके मन आनंदित होता है, कामा लगा दें, मन द माइंड और आनंदित होता है फील्स ए जॉय, तो हम कहेंगे द माइंड फील्स ए जे ओ वाई जॉय, मतलब महसूस करता है एक आनंद, और आनंद को महसूस करना ही आनंदित होना होता है।
तो आप लोग इन ट्रांसलेशंस की प्रैक्टिस से इस बात को भी सीखते चलें कि हमें वाक्यों को कैसे सरल रूप में व्यवस्थित करके उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। इस स्टोरी में जो हमने विशेष रूप से आप लोगों को समझाया है वो ये है कि जब कभी हमको कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन दिया जाता है तो उसमें वाक्य की जो संरचना होती है उस पर हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए और उसको सबसे सरल रूप में समझ करके तब उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहिए। इससे हमारा कार्य कुछ हद तक सरल हो जाता है। चाहते हैं कि इसी तरह लगातार आप हमारे साथ ट्रांसलेशन, ग्रामर और विभिन्न टॉपिक्स की प्रैक्टिस करते रहें, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप